ये तो था नव संवत का वर्षफल। आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से पूजा का विधि विधान है, साथ ही साथ महत्व के बारे में भी बताया। आचार्य जी, आपने पूजा का विधि विधान बता दिया, महत्व तो बता दिया, लेकिन जब साधक माँ की पूजा करे तो किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए साधक को, ये भी बताएंगे जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत ही विशेष होता है। जब आप नवरात्र के 9 दिनों में साधना करते हैं तो आपको किस तिथि में किस मंत्रों की जाप और प्रयोग करना चाहिए, किस मंत्र से देवी की साधना करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्र की प्रतिपदा तिथि से यानी नवरात्र के पहले दिन से किसी एक मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं, और वही मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका होता है भगवती देवी भगवती की साधना करने का। तो ऐसे में जब आप किसी एक मंत्र को लेकर के मंत्र जाप करते हैं, 9 दिन तक लगातार करते हैं, तो उसमें आपको देवी की कृपा बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ज्यादा मिलती है। जब भी आप जाप करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए, और अपने जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप जाप करते हैं तो माला को ढक करके जाप करना चाहिए, और आप जब जाप करें तो आपके जाप का भी कुछ संकल्प होना चाहिए कि आप जिस भी मंत्र का जाप प्रतिपदा से आरंभ कर रहे हैं वह एक माला होगा या 3 माला होगा, 5 माला होगा, 11 माला होगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसा आपके पास समय हो, जैसे आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो, समय की उपलब्धता हो, उस हिसाब से आपको अपने लिए माला दिन में माला की संख्या को निर्धारित कर लेना चाहिए। जब आप एक पहले दिन में एक निश्चित संख्या निर्धारित कर लेते हैं, सपोज उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपने 3 माला का संकल्प ले लिया, तो अगले दिन दूसरे दिन आप चाहें, आपके पास समय ज्यादा हो तो 3 से 5 कर सकते हैं, लेकिन फिर 3 से 2 या 1 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा आपकी साधना में बहुत बड़ा व्यवधान या भंग माना जाएगा, आपकी साधना जो है वो पूर्ण नहीं रह जाएगी। और अगर आपने दूसरे दिन 5 माला कर लिया तो फिर आप 5 माला करने के बाद 3 माला पर भी नहीं आ सकते, उससे बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। 5 के बाद आप 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन आप उससे घट नहीं सकते। जितना आप नियम रखें, आपको प्रयास करना चाहिए कि उतना ही आप उस मंत्र का जाप हर दिन करें। और जहां तक बात रही मंत्र की, तो सबसे ज्यादा लाभकारी जो मंत्र है इस नवरात्र के दिनों में, मंत्र मैं बताता हूं आपके लिए, आप उसको लिख लें, समझ लें। हर प्रकार के मंगल की कामना के साथ आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जीवन में उत्थान ही उत्थान मिलेगा, विकास और प्रगति का मार्ग ही मिलेगा, देवी की कृपा मिलेगी। यह मंत्र इस प्रकार है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर प्रकार के मंगल की कामना आप करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी साधना कर रहा हूं, आप हर प्रकार से मेरा कल्याण करें और मेरा मंगल करें, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस विनती के साथ आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।